हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ लेसन, उसमें हमने फंगल डिसीज़ और बैक्टीरियल डिसीज़ को कवर किया था। आज हम प्रोटोजोअल डिसीज़ और हेलमिंथिस डिसीज़ को कवर करेंगे बेटा इस वीडियो के अंदर। प्रोटोजोअल डिसीज़ के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमें कवर करना है, दैट इज़ द मलेरिया लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ साइकिल दी है तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी है, आइदर दे फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन और दे फॉर द नीट एग्जामिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो जो टॉपिक, जो जो नेम आपके एनसीईआरटी में यूटिलाइज किए गए हैं, उन सभी नेम को हम यहाँ पे नोटिफाई करेंगे। हम उसका जानेंगे कि एक्चुअली वो है क्या, उसका टॉपिक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका आने की पॉसिबिलिटीज है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज द प्रोटोजोअल डिसीज। प्रोटोजोआ क्या है बेटा? प्रोटोजोआ इज द यूनिसेलुलर एक्वेटिक पैरासाइट। यूनिसेलुलर बॉडी है, एक्वेटिक है, पानी के अंदर रहता है, और पैरासाइट है, डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड पर्पज। द फर्स्ट डिसीज इन दैट लिस्ट इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, कॉज ड्यू टू द ट्राइफोसिन नेमो, एंड वेक्टर इज टीसीटीसी फ्लाई, नॉट टीसीटीसी फ्लाई, प्रोनाउंसिएशन टीसीटीसी नहीं बोलेंगे, टी इज साइलेंट, सो सीसी फ्लाई। द वेक्टर इज द सीसी फ्लाई। अफेक्टेड एरिया फील, अफेक्टेड एरिया क्या होगा? स्लीपिंग सिकनेस है, मतलब सोने की बीमारी। सोने की बीमारी में सोना ही आएगा, नींद आएगी फार बहुत सारी, तो फील वेरी स्लीपी। और हम स्लीपी कब फील करते हैं? जब हमारी ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड एक स्पेशल तरह का हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट वी कॉल्ड मेलाटोनिन, एंड दैट मेलाटोनिन हार्मोन कंट्रोल और स्लीप साइकिल, वो हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। इफ़ मेलाटोनिन इंक्रीजेस वी फील स्लीपी, व्हेन मेलाटोनिन डिक्रीजेस वी आउट कम फ्रॉम द स्लीप। ओके, तो यहाँ पे पर्सन की ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा मेलाटोनिन सिक्रीट हो जाएगा तो स्लीपी का दिन भर बहुत आलस आ जाएगा, बहुत नींद आएगी, सोने की इच्छा होगी। आलस की वजह से जो स्लीपिंग आती है, नींद आती है, वो कोई सिकनेस नहीं है बेटा आपका, ये तो सिम्टम्स है उसके, अगर इस तरह का डिसीज होता है तो। नेक्स्ट है डिसेंट्री एंड डायरिया। बहुत ही कॉमन डिसीज है, जो बरसात के सीजन में तो 100% होना ही होना है, क्योंकि वाटर बॉर्न डिसीज है, वाटर बॉर्न डिसीज है, मोस्ट ऑफ द फूड बॉर्न डिसीज है। पैथोजन इज एंटा अमीबा हिस्टेडिका, अमीबा की कृपा से हो रहा है ये सब, एंटा अमीबा हिस्टेडिका रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इन्फेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर रहा है, मतलब डाइजेशन को गड़बड़ कर रहा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो क्या होगा? लूज मोशन हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, डाइजेशन इज नॉट प्रॉपर, एसिडिटी हो जाएगी, तो ये कुछ उसके सिम्टम्स हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस लिस्ट इज द मलेरिया। यही हमें देखना है, मलेरिया की पूरी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल हमें पढ़नी है बेटा। मलेरिया को बैड एयर डिसीज भी कहा जाता है, क्योंकि एयरबॉर्न डिसीज है आपका। एयरबॉर्न ये मॉस्किटो की तरह आपका ट्रांसमिट हो रहा है, मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है एक्चुअली। पैथोजन इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो फैल्सीपेरम से ही होता है कि एक्चुअली प्लाज्मोडियम की 4 types ऑफ द प्लाज्मोडियम्स आर देयर, बट ये जो दो वैरायटी है, ये दो वैरायटी ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है बेटा आपकी। सो वेक्टर इज फीमेल एनाफिलस मिस्किटो, ये हमने पहले भी देखा था इन डेंगू डिसीज की फीमेल एडीज मॉस्किटो इज देयर, तो फीमेल ही मॉस्किटो वेक्टर क्यों होती है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो का फूड मटेरियल हमारा ब्लड है, इट इज़ पैरासिटिक इन नेचर, और वो हमारे ब्लड के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो हमें काटेगी तो वही तो इफ़ेक्ट करेगी। मेल हमें जब काटता ही नहीं तो वो इफ़ेक्ट क्यों करेगा? तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर ऑफ मलेरिया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन जो आता है, दैट इज़ द मलेरिया डे, व्हेन वी सेलिब्रेटेड द मलेरिया डे। मलेरिया डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इतने सारे डिसीज हैं, उनका डे तो हम कभी सेलिब्रेट नहीं करते, मलेरिया का डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? एक्चुअली इट इज़ द वेरी पैंडेमिक डिसीज। पहले जो जमाना था, पहले ज़माने में बहुत ही ज़्यादा महामारी के फॉर्म में था, पैंडेमिक फॉर्म में था, तो एक पैंडेमिक डिसीज के कारण हम एज अ मलेरिया डे भी सेलिब्रेट करते हैं, एंड इट इज़ ऑन 25 अप्रैल।
मलेरिया डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 अप्रैल एंड ड्रग इज यूज ऑन द मलेरिया दैट वी कॉल्ड क्वीनिन एंड क्वीनिन इज ऑप्टेन फ्रॉम द सिंकोना बार्क. सिंकोना, सम बच्चे उनका प्रोनाउंसिएशन चिंसोना भी करते हैं बट इट इज़ नॉट राइट प्रोनाउंसिएशन. सिंकोना की जो बार्क पार्ट है, जो उसकी खाल है, उससे उसकी दवाई बनाई जाती है. क्वीनिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो ये मलेरिया के बारे में, मलेरिया के सिम्टम सेम होंगे, बुखार आएगा, ठंड लगेगी, कोल्ड, फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड देयर, जो नॉर्मल हमारे सिम्टम्स होते हैं. सो हमें इस वीडियो में कवर करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. क्यों लाइफ साइकिल? क्योंकि पैथोजन क्या है बेटा इसका? प्लाज्मोडियम. तो हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को यहाँ पे कैरी करेंगे. सो प्लाज्मोडियम इज द प्रोटोजोम, जनरली वाटर के अंदर पाया जाता है. तो वाटर से हमारी बॉडी में कैसा जा रहा है देखते हैं. टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, फोर टाइप्स ऑफ देयर, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, बहुत लंबा हो जाता. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम ओविली. फैल्सीपैरम है यहाँ, मैंने गलत लिखा स्पेलिंग. ओके, एंड प्लाज्मोडियम ओविली, ये फोर टाइप्स के हैं. इसमें से प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम आपका डिसीज क्रिएट करता है. ये दो नहीं करते, क्या करते होंगे बट कम क्वांटिटी में. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, यहाँ पे मैंने 48 आवर्स कुछ तो भी लिखा है, मतलब इसका डिसीज़ हर 48 आवर्स के बाद रिपीट होता है. अभी डिसीज़ आपका, सॉरी फीवर, अभी फीवर आया, थोड़ी देर बाद उतर गया, फिर 48 आवर बाद फिर फीवर आएगा, फिर उतर जाएगा, फिर 48 आवर बाद फिर फीवर आएगा, फिर उतर जाएगा, ऐसा. और मलेरिया में वो 72 आवर्स के बाद रिपीट होता है, हर 72 तीसरे दिन हर फीवर आता जाएगा आपका. फैल्सीपैरम इज़ कॉल्ड द फीटल स्टेज, इसे फीटल स्टेज कहा जाता है बेटा, क्योंकि अगर इसका इन्फेक्शन हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का, तो वहाँ पर्सन की डेथ पॉसिबल है. पर्सन की डेथ, क्रोनिक डिसीज़ है, फीटल डिसीज़ कहा जाता है. इन्फेक्टेड स्टेज क्या होगी? प्लाज्मोडियम के बॉडी की जो लाइफ स्पैन है, उसकी लाइफ स्पैन की सबसे इन्फेक्टेड स्टेज क्या होगी? वो इन्फेक्टेड स्टेज को कहा जाता है स्पोरोजॉइड्स. फिक्स दैट वर्ड इन योर माइंड बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द PYQ क्वेश्चन, विच इज़ द इन्फेक्टेड स्टेज इन प्लाज्मोडियम. सो इट इज़ द स्पोरोजॉइड्स. ओके, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि ये दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है. तो इसका प्राइमरी होस्ट जो है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो इज देयर एंड द सेकेंडरी होस्ट इज द ह्यूमन बींग, हम है उसके सेकेंडरी होस्ट. इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एग लेइंग करने के बाद जो लार्वल स्टेज में, प्यूपल स्टेज में जाता है, देन अडल्ट डेवलप होता है. तो लार्वल प्यूपल स्टेज का जो एरिया रहता है, दैट पीरियड वी कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड. तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में वो रहता है 6 से 12 दिन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में रहता है वो 28 से 30 दिन, एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया में वो रहता है 6 से 12 दिन. ओवेली में भी सेम ही रहता है. इनका इंक्यूबेशन पीरियड से हमें क्या कनेक्शन है? एक्चुअली जितने दिनों तक उनका इंक्यूबेशन पीरियड है, उतने दिनों तक हमारी बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देंगे, उतने दिनों तक हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट चलेगी, कंटिन्यूअसली सिम्टम्स शो ऑफ होंगे. क्योंकि अभी तो बाहर ही नहीं निकले, वो बाहर निकलने से पहले ही इतना इन्फेक्शन कर रहे हैं बॉडी में, तो निकलने के बाद कितना करेंगे, अभी तो अंडे के अंदर ही है. ओके, द फेजेस ऑफ लाइफ प्लाज्मोडियम इन लाइफ साइकिल, उसके लाइफ साइकिल में वो कितने फेजेस को पास आउट करता है? जैसे ह्यूमन बींग के लाइफ साइकिल में कौन से फेजेस है? बर्थ है, बर्थ के बाद उसका है कौन सा पीरियड है आपका? चाइल्डहुड पीरियड, जुवेनाइल चाइल्डहुड पीरियड है. चाइल्डहुड पीरियड के बाद जो आता है एडोलेसेंस पीरियड, एडोलेसेंस के बाद अडल्ट पीरियड, देन आपका ओल्ड एज पीरियड. जैसे ये लाइफ स्पैन का एरिया है, वैसे उसके लाइफ फेजेस में सीजोगैमी, गैमोगैमी एंड स्पोरोगैमी, तीन कंडीशन आती है, सीजोगैमी, गैमोगैमी एंड स्पोरोगैमी. ये तीनों कंडीशन वो कौन से होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है ये हम देखेंगे. ओके, कौन से होस्ट के अंदर कौन सा फेज कंप्लीट कर रहा है ये अभी देखते हैं बेटा. सो द फर्स्ट इज सीजोगैमी. तो सीजोगैमी कब होगा ये अब सोचो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, क्योंकि उसका प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है एंड उसके इन्फेक्टेड स्टेज है स्पोरोजॉइड. तो वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ने मस्त पे की बढ़िया सा अपना एग लेइंग कर दिया, किसके ऊपर? स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर. स्टैग्नेंट वाटर के जो लार्वा उसके अंदर डेवलप हुए, वो लार्वा के अंदर स्पोरोजॉइड्स प्लाज्मोडियम के एंटर हो गए. फिर वो अडल्ट बना, मॉस्किटो बना, और मॉस्किटो बनने के बाद उसने हमें काटा, है ना? तो उसने हमें काटा, तो पहली फेज हो गई दैट वी कॉल्ड इनाकुलेशन.
दैट फेज वी कॉल्ड इनाकुलेशन. इनाकुलेशन मतलब एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइड इन. इनाकुलेशन मीन्स एंट्री ऑफ द स्पोरोजॉइड्स. इट वी कॉल्ड एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइड्स. तो हमें मॉस्किटो काटा, हमारी बॉडी में एंटर हो गया स्पोरोजॉइड के फॉर्म में. तो स्पोरोजॉइड के फॉर्म में विद इन द हाफ एन आवर वो हमारे पास जाएगा, लीवर के पास, ब्लड के पास, स्प्लीन के पास और बोन मैरो के पास, है ना. विद इन हाफ एन आवर ये आपका इस एरिया पे पहुंच जाएगा और वहाँ पे फीडिंग स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा. फीडिंग स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द फीडिंग स्टेज इज क्रिप्टोजॉइड्स. क्रिप्टोजॉइड्स अगेन अंडरगो इन द सेकंड स्टेज दैट इज द प्राइमरी इरिथ्रोसिटिक सिजगैमी. प्राइमरी इरिथ्रोसिटिक, इरिथ्रोसिटिक मतलब ब्लड के पहले की. तो आपका लीवर के अंदर, सपोज ये लीवर है बेटा आपका, ये लीवर, अरे यार प्रॉपर तो बनाऊँ, ये लीवर की सेल्स है. ये लीवर के एक सेल के अंदर गया, क्रिप्टोजॉइड्स उसने बनाया. क्रिप्टोजॉइड्स बहुत ही बार रिप्रोड्यूस हो जाएगा और बनाएगा वो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स 64 टाइम्स आपका फिर से रिप्रोड्यूस हो जाएगा और बनाएगा माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स. कितना लंबा नाम है, माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइड्स इन द अनादर लीवर सेल. दूसरी लीवर सेल के पास जाएगा, उसको इन्फेक्ट करेगा, उसके अंदर बनाएगा माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइड्स. देन माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइड्स एंटर इन टू द थर्ड फेज दैट इज द एक्सो इरिथ्रोसिटिक सिजगैमी. एक्सो इरिथ्रोसिटिक सिजगैमी के अंदर माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइड्स ये फीडिंग स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज द ट्रोपोजॉइड्स. द कंडीशन इज ट्रोपोजॉइड्स. देन ट्रोपोजॉइड्स इन्फेक्ट करेंगे बेटा ब्लड सेल को, और ब्लड की कौन सी सेल को, ब्लड की आरबीसीज को. ब्लड की आरबीसीज में एंटर हो जाएंगे, डिवाइड होंगे नंबर ऑफ द टाइम्स, डिवाइड देयर, बहुत सारा डिविजन करेंगे, बहुत सारा रिप्रोडक्शन करेंगे और ये स्टेज बनाएंगे गमिट स्टेज. एंड गमिट स्टेज कौन सी है उसकी, यही कंट स्टेज है उसकी, ट्रोपोजॉइड्स. ये गमिट स्टेज है. अब बहुत सारी क्वांटिटी में ट्रोपोजॉइड्स बने. अब ये ट्रोपोजॉइड्स गमिट स्टेज है, तो गमिट स्टेज आगे जाके जायगोट बनाएगी, बट वो हमारी बॉडी में कंप्लीट नहीं करते. बाकी की प्रोसेस वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की बॉडी में कंप्लीट करते हैं. तो हमारी बॉडी में चार स्टेजेस होगी, इनोकुलेशन, प्राइमरी इरिथ्रोसिटिक सिजगैमी, एक्सो इरिथ्रोसिटिक सिजगैमी एंड इरिथ्रोसिटिक सिजगैमी, जहाँ पे उसने स्पोरोजॉइड कन्वर्ट इंटू ट्रोपोजॉइड्स. स्पोरोजॉइड इज द डिप्लॉइड स्टेज वाइल द ट्रोपोजॉइड इज द हैप्लॉइड स्टेज, क्योंकि एक गमिट स्टेज है और हमें पता है कि गमिट स्टेज आपकी हैप्लॉइड स्टेज होती है बेटा. अब आगे की लाइफ साइकिल उनको कंप्लीट करना है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की बॉडी में. अब क्या होता है, ये जो ट्रोपोजॉइड जाएंगे, ये जाएंगे फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की बॉडी में, हमारी बॉडी के थ्रू ब्लड चूसेगी, वो फिर से हमें काटेगी, फिर से हमारी बॉडी के ब्लड लेगी, उनके जाएंगे, उनके जाके कहाँ जाएगी, उनके इंटेस्टाइन में जाएंगे और इंटेस्टाइन में कंबाइन होंगे गमिट्स एंड दे फॉर्म. कौन सी स्टेज थी हमारी पहली वाली स्टेज, कौन सी थी, स्पोरोजॉइड्स. यस, स्पोरोजॉइड्स. तो जर्नी स्टार्ट हुई स्पोरोजॉइड से ही, ख़त्म हुई स्पोरोजॉइड्स पे ही. तो उनने बनाया इंटेस्टाइन में स्पोरोजॉइड्स, किसके इंटेस्टाइन में, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की. बट फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में तो वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकते, तो बनते यहाँ पे है एंड स्टोर होते हैं, स्टोर इन एनाफिलस मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड.
जब फिर से फीमेल एनाफिलस मॉस्कीटो के सलाइवर ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, फिर से वो हमें काटेगी, फिर से हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएंगे किस फॉर्म में, स्पोरोजोइट के फॉर्म में। तो यही फॉर्म में तो हमारी बॉडी में गए थे, हमारी बॉडी में उसने इतनी सारी लाइफ साइकिल कंप्लीट की, देन फिर फीमेल एनाफिलस मॉस्कीटो की बॉडी में गए। तो कुछ कुछ बुक्स में आपको दिया रहेगा कि प्राइमरी होस्ट इज़ द फीमेल एनाफिलस मॉस्कीटो, कुछ बुक्स में रहेगा कि प्राइमरी होस्ट इज़ द ह्यूमन बींग। कुछ भी हो, होस्ट तो है। एक्चुअली फीमेल एनाफिलस मॉस्कीटो की बॉडी के थ्रू ही हमारी बॉडी में आते हैं, बट स्टार्टिंग में अपना लाइफ स्पैन वो हमारी बॉडी में कंप्लीट करते हैं, देन बच्चा कुचा लाइफ स्पैन जो है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्कीटो की बॉडी में कंप्लीट करते हैं। तो दो होस्ट है उसके, हम एज वेल एज फीमेल एनाफिलस मॉस्कीटो। दिस इज़ अबाउट मलेरिया डिसीज़, जो हमारा एक प्रोटोजोअल डिसीज़ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एंड बोर्ड, एक्चुअली दोनों कंडीशन में, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका पूरा लाइफ साइकिल दिया है बेटा, तो आपको पूरा लाइफ साइकिल पढ़ना है। इवन तो इसकी जो डायग्राम्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आप उसको रेफर करना मॉस्कीटो के प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की। इसी वीडियो में हम हेलमेंथिस डिसीज को भी कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हेलमेंथिस सिर्फ दो ही डिसीज है जो हमारी एनसीईआरटी में दी है। चलो अब हम पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, दो ही डिसीज को इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे बेटा। हेलमेंथिस में फ्लैटी हेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस जो राउंड वर्म है आपके, फ्लैट वर्म है, उससे रिलेटेड दो ही डिसीज जो इनके एनसीईआरटी में दिए हैं, एलिफेंटेसिस, और जिसी को कहा जाता है फिलीरियोसिस, हिंदी में हम उसे बोलते हैं हाथी पाँव। वेक्टर इज ब्लैक और सैंड फ्लाई इज देयर एंड वन लेग इन्फ्लामेशन इज देयर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही पाँव आपका हाथी जैसा बड़ा हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द हाथी पाँव डिसीज। अगर मेल बॉडी में होता है तो यहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन जो है वो भी इफेक्टेड करते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन इज द पेनिस, तो एक ही साइज में पेनिस की साइज जो है स्कॉटम है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन आ जाएगा, इतना बड़ा कि वो पर्सन मूव भी नहीं हो पाएगा, है ना। एंड दूसरा जो है इस लिस्ट का बेटा, दूसरा डिसीज़ है काला आजार, ये एक तरह का क्रोनिक डिसीज़ है, पैथोजन लेशमेनिया से आपका ट्रांसमिट होता है या उसके थ्रू आपका डिसीज़ कॉज करता है। एंड वेक्टर जो है सैंड फ्लाई है, जो आपकी सैंड के ऊपर जनरली पाई जाती है मक्खियाँ। एंड सिम्टम्स आर ब्रेन फीवर, ब्लड डिक्रीज एंड एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इन स्टमक एरिया ब्रेन फीवर, इतना फीवर हाई हो जाता है कि वो ब्रेन में चला जाता है, ब्लड का डिक्रीज होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये कुछ उसके डिसीज़ के सिम्टम्स है। काला आजार एक क्रोनिक तरह का डिसीज़ है, अगर ब्रेन फीवर हो जाता है तो वहाँ पे पर्सन के डेथ होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये जो दो ही डिसीज़ है ये आपके एनसीईआरटी में दिए हैं रिलेटेड टू द हेलमेंथिस, इसको भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो इस पूरे सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने कम्युनिकेबल डिसीज़ को कवर कर लिया बेटा, कंप्लीट हो गया हमारा बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल एंड हेलमेंथिस, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अगला जो वीडियो है उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होगी, अंडरस्टैंड होती होगी। अगर आपको मेरी और वीडियोस चाहिए या उसके पूरी एक लिंक चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको प्रॉपरली उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के साथ। थैंक यू एवरीवन।